हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएस गाइड। सो ये पज़ल मुझे मेल के थ्रू मिली थी डाउट में, तो मैं इस चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। कहता है कि देयर आर 10 पीपल, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एन जे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ, डाउट ये था कि जो स्टूडेंट था वो ये पूछा था सर, इसको स्टार्ट कहाँ से करे, कोई कनेक्टिंग पॉइंट भी नहीं मिल रहा है। सर आप बताते हो जैसे कनेक्टिंग, तो आपको मैं बताता हूँ कनेक्ट कैसे करना है चीज़ों को। ठीक है, दे हैव डिफरेंट क्रेडिट स्कोर एंड आर रैंक फ्रॉम 1 to 10 अकॉर्डिंग टू देयर क्रेडिट स्कोर। दे ऑल हैव टेकन सम लोन फ्रॉम बैंक एंड द अमाउंट ऑफ ईएमआई पेड बाय देम यूजिंग इज ऑल्सो डिफरेंट। ओके, ईएमआई यहाँ लिखा हुआ है, ईएमआई पेड बाय देम इज ऑल्सो डिफरेंट। मतलब अगर कोई 1,000 रुपये दे रहा है ईएमआई, तो कोई दूसरा बंदा 1,000 रुपये नहीं दे रहा होगा। सबकी ईएमआई डिफरेंट डिफरेंट है। और रैंक कहाँ से है, 1 to 10 है। तो मैंने एक काम किया, मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 रैंक लिख ली। उसके बाद एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ा डाला पूरा, और जो लगेगा अलॉट करने वाला उसको मैं अलॉट कर दूंगा, और जो नहीं पता चलेगा उसको मैं लिख दूंगा सिंबॉलिक नोटेशंस में। यही तो करते हुए आ रहे हैं हम लोग। कहता है द पर्सन, वो पर्सन जो पेस करता है अमाउंट अमाउंट ई एम आई ऑफ अमाउंट ₹15,000 इज रैंक 2 places below D। कुछ कह नहीं सकते कहाँ पे डी है, कहाँ पे 15,000 जाएगा, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 2 places below D, इस लाइन में ही कंफ्यूजन आ जाती है। सर कितना गैप आएगा, ध्यान से दीजिएगा इस चीज को, ध्यान से। 1, और ये जो पर्सन है यही 15,000 कर रहा है। समझ में आया? 15,000 इज रैंक 2 places below D, 1 places 2 places D। तो ध्यान दीजिए, जब भी 2 places below D आएगा तो कितना आएगा गैप, 1 का आएगा। अबव 2 places तो कितना आता, अबव 2 places अबव D, तो ऊपर से देखते हैं हम एक का गैप। समझ में आ रहा है? अच्छा, देयर आर 3 people between A and B, कुछ कह नहीं सकते अभी, छोड़ दो, याद लिखो भी मत इसको, क्योंकि याद रहेगा कि भाई इस पॉइंट को भी बाकी है करना, देख लेंगे। स्टार मार्क लगा दिया अपने माइंड में। बी पेस EMI ₹5,500 लेस देन ए एंड इज रैंक आइदर 1 और 8। अब यहां पे बी आ सकता है, या फिर इस वाले केस को देखा जाए, यहां वाली मैं सेकंड केस ले लेता हूं। ये आपका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बी या तो 1 पे आएगा रैंक, या फिर 8th रैंक पे आएगा, जैसा कि इसने बोला। एंड पेज EMI 5,500 लेस देन ए, सो ए से 5,500 लेस, यही तो बोला मुझसे। यहाँ पे भी ए से 5,500 लेस करेगा, 5,000 ए से 5,000 लेस करेगा, 5,500, 5,500। ठीक है, ये तो क्लियर हो गई पूरी लाइन। द अमाउंट ऑफ EMI पेड बाय एच इज द एवरेज अमाउंट पेड बाय आई एंड डी। अब देखो, आई प्लस डी डिवाइडेड बाय 2, तो किसका अमाउंट आ जाएगा, एच का अमाउंट आ जाएगा। और अभी मुझे कुछ पता नहीं है, तो एक पॉइंट सिंबॉलिक नोटेशन में ये रहा, एक ये रहा। ठीक है ना, आगे देखो, यहां भी हो गया ये। ईज रैंक इज 3 places below F rank एंड ई पेज EMI 1,000 more than F। ओके, ओनली 2 people are rank above F। ये तो अच्छी लाइन लिखी, ये तो पूरी की पूरी हम अलॉट कर सकते हैं, पॉजिटिव लाइन है। कैसे सर, कह रहा है ओनली 2 people are rank above F, तो जब F यहां आएगा तभी तो ओनली 2 people रहेंगे, बस यहीं पे बोला, तो F यहां आ जाएगा। F से ही कनेक्ट एक पॉइंट बोला है कि E रैंकिंग इज 3 places below F, 1, 2, 3, E विल बी एट दिस प्लेस, 1, 1, 2, 3, E विल बी एट दिस प्लेस। इट मीन्स E एंड F के बीच 2 का गैप होगा। प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये डाउटफुल स्टेटमेंट्स होते हैं। इनको मैं एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट्स को लेके आपको समझा दूंगा, लेकिन इस चीज को ध्यान से लिख लो कि जब भी ऐसा स्टेटमेंट आए कि रैंकिंग इज 3 places below F, तो कितना गैप होगा, कैसे होगा। ठीक है, अभी देखो आगे पढ़ते हैं। कहता है कि, कह रहा है 7th पॉइंट, कह रहा है जी पेड ₹18,500 एज EMI एंड इज रैंक 2 places below H, H 1 गैप, और ये कॉमन
कौन है? जी पेड ₹80,500 एज EMI एंड इज रैंक टू प्लेसेस बिलो एच। इट मीन्स ये रहा जी विद रुपीज EMI 18,500। ओके ओके नो, जे पेज रुपीज इलेवन जे पेज 11,000 एज EMI विच इज 2,000 लेस देन द अमाउंट पेड बाय सी। ओके, जे पेज EMI 11,000, जे पेज 11,000 EMI विच इज 2,000 लेस देन अमाउंट पेड बाय सी, सो सी माइनस 2,000। एक बार बताइए, अब आप क्या आप यहां से सी की नहीं EMI निकाल सकते हो? क्यों नहीं निकाल सकते हो? सी इक्वल्स टू 13,000, और जो कि फिक्स्ड है, और अब किसी की भी 13,000 EMI नहीं बनेगी। ठीक है, इसी क्वेश्चन से मैंने ये निकाल दिया, तो ये भी डन है। द पर्सन विद रैंक सेवन वन पेज 7,500 एज EMI। इट मीन्स रैंक वन यहाँ पे जो होगा 7,500 हो जाएगा। अब एक बात को ध्यान से सुनना, एक ही रैंक अब निकाल सकते, मैं कि एक ही EMI निकाल सकते हो, क्यों? क्योंकि ए माइनस 5,500 है और ये कह रहा है 7,500 फर्स्ट रैंक वाला दे रहा है, तो ए की निकालने के लिए 5,500 प्लस 7,500, तो 500, 500, 1,000, 8, ये 8 कह रहे हैं, 1,000 प्लस 5 ये 1,000 है, तो 6,000 हो गया, और 6 और 7 कितना हो गया? 13,000 हो गया, 6 और 8 ये 13,000 हो गया। क्या ए 13,000 आ सकता है? नहीं आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो बी को यहां रखा है वो गलत रखा है, ये बी यहां नहीं होगा। ठीक है, यहां बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि अगर आप यहां पे 7,500 देते हो रैंक वन को, और जो कि होना ही है, पॉसिबल पॉसिबल नहीं है, कंफर्म है, क्योंकि साफ साफ ये बोला है रैंक वन पेज 7,500। जैसे ही मैंने यहाँ पे 7,500 रखा, तो ए की जो EMI बनेगी वो बनेगी 13,000, और 13,000 बन नहीं सकती क्योंकि सी की ऑलरेडी है, ऐसा बोल रखा है। अब सर को ऐसा कहीं तो बोला नहीं कि डिफरेंट होनी, बोला तो था EMI पेड बाय देम इज ऑल्सो डिफरेंट। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई, एक्सप्लेन हो गया ना कि क्यों नहीं भी यहां आएगा। इसका मतलब ये मेरा गलत है, ये वाला पॉसिबिलिटी मेरी गलत है, तो बी मेरा यही आ जाएगी एज इट इज। और 7,500 बोला है ना, 7,500, तो आप लिख दो यहां पे भी 7,500। ओके, क्लियर है? नो डाउट, नाइदर ए और एच पेज 15,000 एज EMI। ओके, नाइदर ए नॉर एच प्ले पे 15,000 एज अ EMI, नेगेटिव स्टेटमेंट विद क्रॉस इन इनसाइड द बॉक्स। सीज रैंक इज नाइदर 5 नॉर 10, सो सी कैन नॉट बी एट दिस पोजिशन, और सी कैन नॉट बी एट दिस पोजिशन। ओके, नोटेड डाउन, द पर्सन हुज रैंक इज 2, मीन्स टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, पेज ₹2,500 लेस देन द पर्सन हु रैंक इमीडिएटली आफ्टर हिम, सो टॉकिंग अबाउट एफ ना। देखो इसको इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, देखो प्लीज कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? देखो इसको कैसे लिखेंगे, द पर्सन हु रैंक इज टू पेज 2,500 लेस देन द पर्सन हु रैंक इमिडिएटली आफ्टर हिम, मीन्स अगर मुझे सेकेंड रैंक वाले का निकालनी है EMI, तो क्या होगा? क्या बोला? इमिडिएटली आफ्टर हिम, उससे लेस देन, सो एफ, अब इस वाले के बाद इमिडिएटली तो एफ ही आ रहा है, एफ माइनस 2,500, 2,500 सेकेंड रैंक की EMI आ जाएगी। एंड बोला है एंड पेज 2,000 लेस देन ए, एंड मींस अगेन सेकेंड रैंक में जो है उसका क्या बोला है, 2,000 लेस देन ए माइनस 2,000। ठीक है, इस चीज को ध्यान से देख लो, यही आप भी एक इक्वेशन बनाओगे, इस तरीके का बनाओगे ही बनाओगे, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अब देखने वाली बात यह है कि इनमें से कौन से पॉइंट से हम कनेक्ट करें, किस तरीके से स्टार्ट करना है। देखो अगर मैंने डी यहां लिखा, तो एक का गैप देखिए एफ 1,500 यहां आ जाएगा, आ सकता है 1,500, बिल्कुल डी डी एक का गैप 1,500 ई पे भी आ सकता है, तो बहुत से केसेस बनेंगे, कोई बात नहीं। अगर हम एच और एक का गैप जी देखते हैं, एच एक का गैप जी, एच एक का गैप जी नहीं, एच एक का गैप जी नहीं, एच एक का गैप जी,
और एच एक का गैप जी, बस यही दो केस बनेंगे। दो केस ये हैं कि एक बार एच को यहाँ लिखा मैंने, एक का गैप दिया जी आ गया, ठीक है ना, यहाँ दिया हो गया। अच्छा एच यहाँ पे भी तो आ सकता था, एच एक गैप जी यहाँ दिया, और जी ने क्या किया हुआ है, 18,000, लिखो 18,500, है ना, जी ने 18,500 कर रखा है। क्लियर है, नो डाउट। अच्छा कैसे भी करके ना, अगर ए का पता चल जाए, ए का पता चल जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, एक बात देखो, एक और चीज़ है, दिख रही होगी तुम्हें, 3%, 3 पीपल बिटवीन ए एंड बी, ये छोड़ दिया था, तो बी को अगर आपने फिक्स यहाँ किया है तो 1 2 3 करके ए यहाँ लिख सकते थे, 1 2 3 करके ए यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ए यहाँ लिख दिया हमने। अब चलो अभी देखते हैं क्या होता है, डी पन एक का गैप 15,000, अब ए और एच 15,000 नहीं होंगे, तो ये देखो डी एक का गैप 15,000 यहाँ आ सकता है, लेकिन डी एक का गैप 15,000 यहाँ नहीं आ सकता, एच 15,000 हो नहीं सकता, और कहीं लिख सकते हो, कहीं पे भी नहीं लिख सकते हो, यही लिखना पड़ेगा ना, डी ये है, एक का गैप एफ पे चला जाएगा 15,000, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एफ पे हो जाएगा 15,000, और यहाँ पे आप देखना चाहो तो कहीं लिख सकते हो डी एक का गैप 15,000, दोनों केस में चलेगा। अब ध्यान से करना है, यहाँ पे ध्यान से इसलिए करना है क्योंकि मुझे सेकंड की अगर रैंक निकाल, सेकंड वाले रैंक पे जो है उसकी ईएमआई निकालनी, तो एफ में से -2500 कर देंगे, करेंगे 15,000 है ये, 1500 नहीं है, 15,000 है, तो 15,000 में से पहले 2,000 हटा दिया तो 13,000 हो गया, 13,000 में से 500 और हटा दिया तो 12,500 हो गया, तो मतलब सेकेंड रैंक पे जो होगा वो 12,500 रैंक ईएमआई पे कर रहा है, यहाँ पे भी करेगा ऐसे ही, समझ में आ रहा है ना, कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी चीज़ देखो छोड़ी नहीं है, अभी मैंने पूरा रीड कर लिया, सिंबल नोटेशन में लिख लिया। अब देखो मतलब ये पता चल गया कि सेकेंड रैंक पे 12,000 अगर 500 आ रहा है, तो ए -2000 करने पे, मतलब ए का अगर ईएमआई निकालनी है तो 12,500 +2,000 कर दो, ये इधर चला आएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ए का अगर मुझे निकालना है तो 14,500 हो जाएगा, तो ए के पास जाओ 14,500 लिखो, 14,500 ए के पास जाओ, 14,500 लिख दो, ठीक है ना, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब एक चीज़ नोट करने वाली बात ये है मेरे डियर फ्रेंड्स, इस केस में भी सी यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ नहीं आ सकता, और सी यहाँ नहीं आ सकता, एक बात बताइए, जब यहाँ और यहाँ नहीं आ सकता तो भाई सी किधर जाएगा, लॉजिक लगाओ, सी किधर जाएगा, सी कहीं नहीं जा पा रहा, इधर तो वैसे भी नहीं जा सकता, कहोगे सर इधर लिखो, क्योंकि सी की तो ईएमआई 13,000 है ना कि 12,500 है, भाई क्या हुआ, क्या हुआ, ये केस पूरा रॉन्ग हो गया, खत्म। दो ही केस बनाए देखो मैंने तुम्हारे सामने, दो केस बनाए, इससे ज्यादा मैंने कुछ बनाया भी नहीं है, ठीक है ना, इसी तरीके से अप्रोच करनी होती है। अच्छा अब यहाँ पे देख रहा है सी यहाँ नहीं आ सकता, सी तो वैसे भी यहाँ नहीं आ सकता, एच ऑलरेडी सी यहाँ वैसे भी ना, अब सी के लिए तो यही बची सी, 13,000 आपका ये आ गया, क्लियर है। अब एक बता, बी की ईएमआई निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्योंकि ए की आपने 14,500 निकाली हुई है, 14,500 में से आपको 5,500 हटा देना है तो 9,000 हो गया, बी की ईएमआई हो गई 9,000 हो गई, लो बी की ईएमआई 9,000 हो गई, और कुछ और कोई बच रहा है, अभी देखते हैं ना, आई प्लस डी इक्वल्स टू एच की आ जाएगी ईएमआई, तो आई प्लस डी, डी का तो पता चल गया, आई किधर जाएगा, आई तो अभी कुछ नहीं कह सकते, चलो कोई बात नहीं, और एच कॉमा जे हो गया, हाँ बिल्कुल, ये देखो जे, जे के बारे में बात करो ना, जे तो ईएमआई 11,000 दे रहा है ना, यहाँ नहीं आ सकता, डेफिनेटली जे इधर आ जाएगा और 11,000 इधर हो जाएगा, अब जैसे ही जे 11,000 इधर हो गया, अब मैं आंख बंद कर कहूंगा आई इधर आ जाएगा, अब आई प्लस डी करो जरा, इनकी ईएमआई और इनकी ईएमआई ऐड करोगे, 7,500 +12,500 कुल मिला के 20,000 आ जाएगा, 20,000 आएगा इन दोनों की ईएमआई का एडिशन, प्लस डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि एवरेज बोला है, जो आएगा 10,000 आएगा, अब इस 10,000 ईएमआई किसकी है, एच की ईएमआई है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, तो एच के पास जाओगे यहाँ लिखोगे 10,000, यहाँ लिख दोगे 10,000, गलत लिख दिया, 10,000, इज दैट क्लियर, क्लियर है। अब एक ई एम आई बचती ई की, ई की क्या ई एम आई है, अब देखो ई की ई एम आई निकालने के लिए क्या कुछ तो कनेक्शन रखा होगा ई के साथ भी, कहीं होगा देख लेते हैं, मैंने कुछ पॉइंट तो मिक्स नहीं कर दिया, ई देखते हैं यहाँ पे,
द अमाउंट ऑफ ई एम आई, अच्छा बी पेज ई एम आई 5,000 लेस देन ए हो गया, और ये भी हो गई ई, ई की कहीं ना कहीं होगी, ये देखो ईज रैंकिंग इज 3 places बिलो एफ एंड ई पे ई एम आई 1,000 मोर देन एफ, बोला है ना एफ की कितनी है 15,000 है, तो ई की कितनी होगी 1,000 प्लस कर दो, 15,000 प्लस 1,600, 16,000 ये होगा आपका, ये रहा राइट अरेंजमेंट, हो गया सॉल्व। ठीक है इजी क्वेश्चन था, इसी के बाद 5 क्वेश्चन दिए होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं, ये डाउट था, तो आई होप जिसका डाउट था ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है या अभी भी इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप बता दो मुझे मेल के थ्रू, अगर मैंने कोई पॉसिबिलिटी छोड़ दी है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।